जयति ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र परमागमस्य बीजम्

नामक ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य देव की है सुंदर रचना सलेखना का प्रकरण और सुंदर सुंदर शिक्षाएं ये हमारे को दे रहे हैं हे भव्य जीव तो महाभाग्यशाली है संबोधन सुनकर के ही चित्त प्रसन्न हो जाता है क्योंकि कहने वाले व्यक्ति कोई साधारण नहीं है हमें जो कह रहे हैं ये महापुरुष हैं महाभाग्यशाली कहना ये शब्द इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है इस शब्द को कहने वाले महाभाग्यशाली सड़क चलता व्यक्ति कह देवे उसमें कुछ दम नहीं है लेकिन हमें जो महाभाग्यशाली कह रहे हैं वे वे जीव हैं सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है ये कितनी हमारे लिए गौरव की बात हो जाती है हमें जो सम्मान मिला है महाभाग्यशालीपन का यह सम्मान किसी जन सामान्य के द्वारा दिया हुआ नहीं है ये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं है यह सम्मान पंच परमेशों द्वारा दिया गया है ये महान भाग्यशालीपन का खिताब साक्षात अरहंत भगवान द्वारा दिया गया है आप सोचिए इस बात में ही कितना उल्लास और कितना आनंद आ जाता है यह सुनकर के ही जब हमसे कह रहे हैं हे महाभाग्य कल इस महाभाग की हमने चर्चा की थी इस तुच्छ से शारीरिक दुख से कायर होकर शरीर से किंचित मात्र भी च्युत मत होना प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा से किंचित मात्र भी च्युत नहीं होना दृढ़ चित्त होकर परम निर्जरा की अभिलाषा करना चित्त में दृढ़ता रखना हृदय में मजबूती होनी चाहिए श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए यदि आपकी श्रद्धा मजबूत है आप यदि हृदय से दृढ़ हैं तो आप मान करके चलिए फिर सब सहज है दृढ़ता रखिए परिणाम विचलित नहीं हो पाए बस परिणाम गिरे तो मैं गिरा शरीर गिरा तो मैं नहीं गिरा ये समझ लीजिए देह छूटी तो मेरा कुछ नहीं छूटा संयोग छूटे तो मेरा कुछ नहीं छूटा परिवार छूटा तो मेरा कुछ नहीं छूटा क्योंकि सच में जो मेरा परिवार है वो मेरी अनंत गुण संपदा है वो मेरा परिवार है तोड़र तोड़र जी नहीं लिखा है ना निज गुण पावे निज गुण राज लिखा है ना मंगला चरण में जो रोजाना बोलते हैं अपन पावे निज पद राज हैं मिले समाज सब पावे निज पद राज सारा अनंत गुण समाज मिल जाता है अब हमें और क्या है समाज छूट गया परिवार छूट गया अरे भाई मेरा परिवार कभी छूटता नहीं है मेरी संपदा कभी मुझसे छीनी जाती नहीं है मेरा वैभव कभी लुटता नहीं है जो लुट जाता है वो मेरा वैभव नहीं है कितने सुंदर बातें कह रहे हैं किंचित मात्र भी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होना दृढ़ता रखना जाए प्राण जाए पर वचन न जाए रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण भले ही चले जाए लेकिन क्या प्राण चले जाए वचन वचन बने दृढ़ता प्रतिज्ञा वचन वाने प्रतिज्ञा नियम नियम नहीं जाएगा हम नियम से विचलित नहीं होंगे हम अपने नियम का पालन करेंगे दृढ़ता से पालन करेंगे जो जैसा होगा उसे स्वीकार करेंगे यहाँ श्रद्धा मजबूत करने के लिए प्रेरणा दी गई और फिर भी यदि कदाचित ये व्यक्ति स्वीकार न कर पाए इन केस नहीं कर पा रहा हो थोड़ी शिथिलता देखे तो देखो अंत समय है ना ज्यादा वरिष्ठ बातें नहीं होती है शाम का भोजन होता है थोड़ा हल्का लिया जाता है विश्राम का समय होता है ना तो हैवी नहीं लिया जाता है तो ये जो अभी दी थी ना एगो में सांस दो आधा ये वाली जो खुराक दी थी ये डोज काफ़ी हैवी थी और उस हैवी डोज को ही पचाना है काम तो वही करना है लेकिन अब उस हैवी डोज को देने के बाद फिर थोड़ा सा लाइट करते हैं ये कहता है कि हाँ शाश्वत आत्मा तो हूँ लेकिन क्या करूँ शरीर में मैं बात तो सही है आपकी लेकिन शरीर में जब कष्ट होता है तो मुझे कष्ट तो लगता ही है पीड़ा तो अब, 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 हो ही तो रहा है मैं क्या बताऊँ आपको बातें तो सच्ची है कि मैं शरीर नहीं हूं बात तो सच्ची कह रहे हो हूं तो मैं आत्मा ही लेकिन क्या करूं तकलीफ बहुत है अब अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर के जरा उस चीज को सोचने का प्रयत्न कीजिए माने जब हम उस प्रैक्टिकल लेवल पर जाते हैं और उस लेवल पर जाकर के विचार करते हैं सोचते हैं तो लगता या है यार कितनी भी बातें सच्ची हो लेकिन जब सर दर्द होता है ना तो प्राण निकल जाते हैं जब उठते बैठते घुटने दर्द करते हैं ना तो प्राण निकल जाते हैं भगवान याद आते हैं हम कितना भी सोचे शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरा नहीं है देह मुझसे भिन्न है लेकिन वो जो है ना क्या क्या करे तो आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। हम तो टोडरमल जी हमारे लिए आचार्य देव जैसे दिखते हैं क्या कहें उनके तुलना कर दी ना उनसे टोडरवल जी से ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रहे हैं भैया सुन जरा एक बार तू अतीत में जाकर के देख एक बार तू अपने कष्टों की तुलना करके देख ऐसा किससे तुलना करूं ये तो बताओ मेरे तो मेरे कष्ट मेरे जैसी तकलीफ तो किसी को होगी ही नहीं क्या बात कहता है मेरी जैसी तकलीफ किसी को नहीं होगी मेरी जैसी पीड़ा किसी को नहीं होगी मेरे मेरे <laughs> मेरे जैसा खराब परिवार किसी का नहीं है जैसी जैसी खराब मेरी वाइफ है वैसी किसी की नहीं है जैसे खराब मेरे हस्बैंड है वैसे किसी के नहीं है मेरे बच्चे तो एक नंबर के नालायक है मैं आपको क्या बताऊं इतने नालायक तो किसी के बच्चे हो नहीं सकते मेरे माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं मेरे प्राण निकाल दिए मेरे हर व्यक्ति के संबंध में इसके स्टेटमेंट सुन लो आप फैमिली वालों के बारे में सुन लो अपने लोगों के बारे में सुन अरे ये बिल्कुल बहुत खराब ये बहुत खराब इसने ऐसा इसने ऐसा ये चलता रहता है दिमाग में अरे भाई तेरी क्या तकलीफे हैं तुमने अभी तकलीफ देखी क्या है तकलीफ यदि देखनी हो तो इन महामुनिराजों को देखो तकलीफ यदि देखनी हो इनका जीवन चरित्र देखो तकलीफ यदि आपको देखनी हो तो एक बार देखो जरा किसे देखें जीवन चरित्र देखो इनका पौराणिक कथाएं देखो कहानियां देखो प्रसंग देखो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखो तो आपको पता लगेगा तकलीफ होती क्या है क्या है और हम कोई महापुरुषों की तकलीफ नहीं बता रहे हैं हम आपकी परिस्थिति से महापुरुषों की परिस्थिति का कंपैरिजन कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं आप कंपैरिजन कीजिए हमें कंपैरिजन करना है हमें देखना है इस चीज को कि हम कितने पानी में हैं हमें टटोलना है अपने आप को ये सल वाले की बात कर रहे हैं सल वाले व्यक्ति को एगो में दो आधा मैं सिर्फ शाश्वत आत्मा हूं मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं मैं चैतन्य ध्रुव तत्व हूं मैं अनादि अनंत हूं इतनी बातें उसको दृढ़ता से कह दिए जाने के बाद समझा दिए जाने के बाद सीख लेने के बाद उसके अंतर में उतर जाने के बाद क्या बोलो ये ये हो जाने के बाद भी अब क्या करें ये जो परिस्थिति हो गई है ये सारी परिस्थिति हो जाने के बाद और ये सब जान लेने समझ लेने के बाद अब दर्द हो रहा है तो क्या बोले तू याद कर महापुरुषों को याद कर एक बार क्या कह रहे हैं दो पेज खोलिए आप, आपकी पुस्तकों में 203 नंबर पेज पर देखिए जरा यहां कुछ बातें कहना चाह रहे हैं जब तक तू आत्मचिंतन करता हुआ सन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है तब तक प्रतीक्षण तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है ओ हो गया ओल्ड बुक एक नंबर पेज गुजराती में 145 नंबर पेज नई पुस्तकों में 203 नंबर पेज सलेखना का प्रकरण अरे तू संलेखना में लगा हुआ है भाई तो आत्मचिंतन में लगा हुआ है तू तो क्यों भूल गया है तेरी आत्मचिंतन की दशा साक्षात मुनि दशा जैसी है वर्तमान में गृहस्थ दशा हो कोई बात नहीं यदि मुनि दशा है क्योंकि संलेखना तो चौथे गुणस्थान वाले के पांचवे वाले के छठे सातवें वाले के नीचे वाले के, जिसके जैसी भूमिका जिस स्थिति उसके वैसी संलेखना जब तक जब तक कब तक जब तक तो आत्मचिंतन करता हुआ आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके आत्मचिंतन करते करते संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है कहा बैठा हुआ है आत्मचिंतन समाधि मरण की आराधना में बैठा है तब तक जब तक संलेखना में बैठा रहेगा जब तक समाधि मरण के लिए बैठा रहेगा समाधि मरण की तैयारी का मतलब देह से विभिन्न आत्म तत्व का चिंतन जब तक करता रहेगा तब तक प्रतीक्षण 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 क्या तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है बोलो निरंतर प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है तब तक क्या 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 तू धीर वीर पांडवों का चरित्र भूल गया क्या भूल गया तू तो? क्या दिखा रहे हैं यार देखो देखो पांडवों का जीवन चरित्र देखो क्या देखो तो सही आप कौरवों पांडवों का जीवन देखो कौरवों और पांडवों के साथ में जब कौरवों ने क्या क्या नहीं कर दिया पांडवों के साथ और कौरवों और पांडवों का युद्ध जब समाप्त हो गया युद्ध क्या समाप्त हो गया कौरव जब मर मिटे कोई बात तो नहीं पांडव बच्चे थे और पांडव जब बचे थे उन पांडव ने दीक्षा ले ली वैराग्य हो गया और जब पांडवों ने दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद दीक्षा लेने के बाद वो जो दुर्योधन के भांजे यवरोधन गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए आपकी तकलीफ उससे ज्यादा है क्या भैया कमर जो दर्द कर रही है घुटने दर्द कर रहे हैं उठा बैठा नहीं जा रहा है तकलीफ जो दिखाई दे रही है मरना अवस्था में भैया सोचो तो सही जरा एक बार विचार तो करो हमारी जो तकलीफ है हमारी जो पीड़ा है यह हमारी पीड़ा किस प्रकार की है किस बात की तकलीफ है रंच मात्र तकलीफ नहीं है रंच मात्र भी तकलीफ नहीं है गरम गरम लोहे पहना दिए लोहे को पहना दिए गरम गरम सारा शरीर जल करके राख जैसा होने की नौबत जल गया सारा शरीर खत्म हो गया ध्यान से विचलित नहीं हुए हैं आखिर क्या था यार उनके पास में जो ध्यान से विचलित नहीं हो रहे बताइए तो सही क्या था ध्यान से विचलित क्यों नहीं हो रहे हैं परिस्थितियां प्रतिकूल है लेकिन वे ध्यान से विचलित क्यों नहीं है उनके पास में क्या था ये कह रहे हैं सुनो धीर वीर पांडवों का चरित्र भूल गया क्या जिन्हें लोहे के आभूषण अग्नि में तपाकर शत्रुओं ने पहनाए थे दुश्मनों ने गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे तो भी तपस्या से किंचित मात्र चुतने होकर आत्म ध्यान से मोक्ष प्राप्त किया ना युधिष्ठिर ने भीम ने अर्जुन ने नकुल और सहदेव चले गए आखिर यह सब कैसे हुआ ये सब आत्म शक्ति के बल पर होता है भैया अंदर में कुछ ना कुछ तो होती है ऐसी चीज जिसके कारण इसे तकलीफ तकलीफ नहीं दिखाई देती है किसी ना किसी चीज का तो बल होता है बोलो ये ताकत किस चीज की है सामर्थ्य किस चीज की है ये कौन सी शक्ति काम कर रही है ये कौन सी पावर काम कर रही है बोलो है कोई पावर जो काम कर रही है भैया ये समझा रहे हैं हाँ ये बता रहे हैं यहां पर वो पावर काम कर रही है अंदर की ये पावर काम कर रही है भेद विज्ञान की ये पावर काम कर रही है अपने आप को देह से भिन्न देखते हैं गज कुमार मुनिराज नीचे उदाहरण दिए हैं सुखमाल मुनिराज सुकौशल मुनिराज देखो तो सही एक एक उदाहरण बीस से देते चले जाओ चिंतन करते चले जाओ विचार करते चले जाओ जितना चिंतन करोगे जितना विचार करोगे उतना आपको बात समझ में आएगी कि अरे यार इनके साथ भी हुआ देखो इनके साथ भी हुआ देखो इनके साथ भी हुआ देखो संलेखना का प्रकरण है सुनो भाई दादा एक बात कहते हैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं संलेखना कष्ट साध्य होती है ऐसा नहीं है सल लेखना में कष्ट ही कष्ट होता हो ऐसा नहीं है हमें ऐसा लगने लग जाता है अरे सलेखना अरे सलेखना और देखो उनके माथे पर सिगड़ी जल रही थी सिगड़ी जलती रही उनके माथे पर अरे रे कैसी परिस्थिति है भगवान हे भगवान अरे रे भाई साहब खोपड़ी जल करके राख हो गई इवन बताई थी ना मैंने चर्चा चली थी गजकुमार मनेराज के संदर्भ में कल परसों कब हुई थी बात बोलो सर पर सिगड़ी जलती रही ओहो फिर नमस्कार के अंदर विचलित नहीं हुए अरे इन पांडवों को गरम गरम गुर कैसी आग हम टच नहीं कर सकते हैं किसी चीज को और वे बिल्कुल उस विचलित नहीं हो रहे हैं ध्यान से क्या क्या पहना दिए गए होंगे लोहे के सरी होते हैं लोहे के सरिये उन लोहे के सरिये को आग में तपाया आग हो गए जब वे लोहे के सरिये रेड हो गए बिल्कुल ऐसे आग जैसे हो जाने पर उन लोहे के सरिये को उठाकर ऐसे गले में घुमाया ऐसा लो तुम्हें हार पहना देता हूं लो बहुत खुश थे ना तुम ये गले में पहना दिया ये माला डाल दी ऐसे ये लोहे को ऐसे घुमा करके ऐसे आग जैसे यहां बाजू बंद बांध दिए ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हुए हैं इस जगह से लग रहा है कष्ट है लग रहा है पीड़ा है लेकिन वे ध्यान से विचलित नहीं हो रहे हैं कारण एक ही है कि ध्यान कहीं और है कारण एक ही है कि उपयोग कहीं और है कारण एक ही है कि ये जो शरीर की तकलीफ है इस शरीर की तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं है वेद विज्ञान की धारा अंदर में चल रही होती है तो कष्ट कष्ट जैसा नहीं लगता है जब उपयोग कहीं दूसरी तरफ चले जाता है तो शरीर की पीड़ा तकलीफ देने में समर्थ नहीं होती है साहब इस तरह के उदाहरण है बहुत सारे जी के जीवन का उदाहरण है वर्णि जी के जीवन का ऑपरेशन का मैं ये काम कर रहा हूं तुम कर दो बेहोश करने की जरूरत नहीं है क्या सुंगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है कुछ भी चिंता मत करो हो गया आप तो कर दो ये क्या हुआ कितना टाइम लगेगा ये बतला दो बस मैं कर लूंगा अपनी सेटिंगों उस हिसाब से मैथमेटिक्स के सवाल लोग फजल लेकर के बैठ जाते हैं अपने उपयोग को उसमें लगा लेते हैं बोले होने तो कर लो आप जो करना है ओपन कर दो चीर फाड़ कर दो शरीर के अंदर ध्यान इधर लगा दिया पता नहीं पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स जब ये मेहनत करते हैं जब उनका उपयोग पढ़ाई में लग रहा होता है किसी के आकर के चले जाने की खबर नहीं होती अरे आस पड़ोस में बैंड बाजे बज रहे हो तो तुहे पता ही नहीं लगता कब बैंड बाजे बज गए कब कब जुलूस निकला मुझे तो पता ही नहीं लगा कब आए थे आप मम्मी कब आए थे आप मुझे तो मालूम ही नहीं चला ये क्या हुआ दस दस मिनट तक बोलो हमारे दादा है ना छोटे दादा जब वे तल्लीन लिखते हैं ऐसे ऐसे तल्लीनता होती है उपयोग की एकाग्रता होती है कोई साहब भी आ जाओ और आकर के खड़ा हो जाओ उन्हें पता ही नहीं लगता कई कई बार बहुत बार में तो पिछले पच्चीस सालों के अंदर इतने एक्सपीरियंस हैं जिसकी हद नहीं है लेकिन वो खड़े रहे जैसे उनके साथ में वो वो लिख रहे हैं कुछ कर रहे हैं काम कर रहे हैं और हम वहां जाकर के खड़े हो गए डिस्टर्ब नहीं करते एक, एक मिनट दो मिनट फिर दो तीन मिनट जब उनका वो हो जाता है से है से तो फिर फिर बैठो पर बातचीत और फिर सब ऐसा मैंने उपयोग किधर है आपका सारा खेल इस चीज का है खेलते हुए बच्चे को चोट लग जाने पर दर्द की अनुभूति नहीं होती उसके पीछे कारण क्या है सारा खेल उपयोग का है भाई साहब राज का उपयोग कहाँ है अंदर में ले जाते हैं उपयोग को समेट लेते हैं बाहर से अंदर में चला जाता है अरे मुझे मैं क्यों देखूं उसकी तरफ जिसकी तरफ देखने से मुझे तकलीफ होती है मैं क्यों देखूं उसकी तरफ जिसे देखने से मुझे पीड़ा होती है मैं क्यों देखूं? मैं क्यों विचार करूं बोलो क्यों विचार करूं मैं मैं नहीं करता विचार इस शरीर की तरफ देखू मैं इस शरीर की तरफ देखो भाई कोई तो चीज ऐसी होगी मिल गया है ऐसा जिन्हें यार ये तकलीफ नहीं यार ये इतनी तकलीफ भी ये काम कर रहा है इसको ये तकलीफ तकलीफ महसूस नहीं हो रही है यार यार कोई कोई तो बात है भाई कोई तो बात बात है 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 भाई साहब व्यक्ति घंटे दस -दस घंटे काम काम कर रहा है, बारा -बारा काम कर रहा रहा चौदह घंटे काम कर रहा है लगा हुआ है दिन रात एक करने के लिए तैयार है इसका मतलब इसको कुछ तो मिल रहा होगा भाई साहब मोटा पैसा मिल रहा होगा कुछ ये मिल रहा होगा कई चीजें अरे भाई साहब आपको पता नहीं है इसको क्या क्या हो रहा होगा तब ऐसे कौन करता है कौन किसके लिए क्या बातें सोच रहे लगता है ना कि फीलिंग में आने लग जाता है ना इस तरह का ये काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो कैसे कर रहा है एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया बम बन करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ आखिर क्या हुआ क्यों अपनी बॉडी में बम फिट करवाता है ऑपरेशन करवा करके और एरोप्लेन में बैठता है हेलीकॉप्टर में बैठता है और उसे पता है मैं जाकर के इस बिल्डिंग से मुझे टकराना है मुझे मालूम है ये हेलीकॉप्टर फटेगा विस्फोट होगा अंदर से मेरा ये विस्फोट होगा मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे उसके बावजूद भी ये आतंकवादी टेररिस्ट लोग ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं इसका मतलब जब वे परिवार के लिए ये सब कुछ सहन कर सकते हैं जब वे पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं पीछे से मेरे परिवार का पीछे से इनके लिए पीछे से उनके लिए व्यवस्था उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग पैसा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे ये तैयार हो जाता है मरने के लिए बोलो तो सोचिए जरा कैसे हो जाता है कैसे हिम्मत कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं उगालेंगे नहीं अपने मुंह से कुछ भी जवाब नहीं देंगे और तुरंत वो रखते हैं यहां वो तोड़ करके पोटेशियम साइनाइट जीप पर टच किया और मर गए बस खत्म नहीं बताऊंगा कुछ भी क्या है आखिर है क्यों क्यों क्या मिल गया है ऐसा कुछ तो होगा ना उन्हें क्या चीज मोटिवेट कर रही है जिहाद जिहाद के नाम पर ओहो जन्नत नसीब हो जाएगी ओहो खुदा खुश हो जाएगा अल्लाह के पास में पहुंच जाऊंगा ओहो ऐसा हो जाएगा कोई चीज तो ऐसी होगी जो चीज मोटिवेट कर रही होगी कोई चीज तो होगी ना दुनिया में हर व्यक्ति हंसते हंसते सूरी पर चढ़ जाते हैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं दुनिया भर में क्या ऐसे प्रसंग हमें देखने को नहीं मिलते हैं इन मुनिराजों को ऐसा क्या मिल गया है कुछ भी तो नहीं है इनके पास में पैसे की चाह इनको नहीं है यश प्रतिष्ठा इनको नहीं चाहिए बीवी बच्चों की परवाह नहीं है उन्हें तो छोड़ करके आ गए हैं बोलो सोचो जरा ये, ये सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं अब इन्हें कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से लाग ही नहीं है तो फिर अब किसके लिए कर रहे हैं क्या फिर किसके लिए कर रहे हैं वे मुने राज। उन्हें कुछ मिल गया है उन्हें कोई निधि मिल गई है उन उन्हें कोई खजाना मिल गया है वे उस खजाने में इतने मशगूल हो गए कि बाहर में पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है बाहर में आने वाले आंधी तूफान वहां से उपयोग हट गया और अंदर में चला गया आ रहे होंगे आंधी तूफान हमें परवाह नहीं है ये बाहर में कर्म के उदय से आने वाले आंधी तूफानों की परवाह ये ज्ञानी जीव नहीं किया करते हैं तिरने की कला उन्होंने सीख ली है बोलो ये कला सीख ली है उन्होंने ये कला हमारे को सीखनी है क्या है भेद ट्रिक, ये कला छोटी सी कला है बस इतनी सी कला है ये चावी ताला है लगा हुआ कितने कितने सोचते हैं ये ताला लगाया अपने चाबी घुमाई खोलने के लिए ताकत लगा रहा है ताकत लगा रहा है खुल नहीं रही है खुल नहीं रही है फिर इतने में कोई समझदार व्यक्ति आया जो रेगुलर यूज में लेता था उसने क्या कहा अरे बेटा क्या कर रहा है ताकत का काम नहीं है टेक्निक का काम है अरे क्या 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 कहा ताकत का काम नहीं है टेक्निक का काम है क्या कह दिया हाँ हाँ ताकत नहीं लगानी है ताकत लगाएगा चाबी मुड़ जाएगी अंदर से खराब हो जाएगा बाहर से खराब हो जाएगा ताला कभी नहीं खुलेगा ताकत नहीं लगानी है प्रेशर में नहीं आना है तो क्या करना है चाबी ऐसे लगा लगाने के बाद हल्का सा ऐसे आगे, आगे की तरफ ये देख खुल गया अरे यार गया। क्या ये क्या खुला गजब यार इतना ईजी था इतना आसानी से खोल दिया हाँ ऐसा ही है इतना ही तो है और क्या है जी वो अन्य पुद्य इतव संग्रह यदन्य तो किंचित सौस्तु तस्वीत है क्या बोलो इतनी सी कला है ये छोटी सी कला है ये सिखा रहे हैं यहाँ परिस्थितियों को मत देखो प्रतिकूलताओं को मत देखो प्रतिकूलताओं को यदि देख रही होती सीता तो शायद उसके जवान से ये वचन नहीं निकलते कि कोई बात नहीं धर्म को मत भूल जाना धर्म को मत भूल जाना धर्म कोई भूल जाए व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूलता आती है सबसे पहले बंद करने की बात करता है धर्म सबसे पहले भोजन बराबर चल रहा है टीवी बराबर चल रहा है खान पीन बराबर चल रहा है न्यूज पेपर बराबर चल रहा है मिलना जुलना बराबर चल रहा है यूट्यूब बराबर चल रहा है।, है सुनना सुनाना फोन करना बात करना ये सब सब बराबर सारे काम चल रहे हैं तो क्या कर दिया आपने प्रवचन बंद कर दो धर्म ध्यान बंद कर दो पढ़ना लिखना बंद कर दो और ने 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 अब अब ये क्या क्या कह रहे हो आप क्या सोच रहे हो पैसे की परेशानी यदि होती है थोड़ी बहुत भी विपत्ति यदि आती है दान में कटौती कर देता है दान नहीं दे सकते भाई साहब हम तो इस समय दान नहीं दे पाऊंगा थोड़ा सा नुकसान चल रहा है थोड़ा सा बहुत मार्केट डाउन चल रहा है इस समय परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है मैं नहीं दे इस समय तो नहीं कर पाऊंगा यार कुछ भी यार प्लीज यार इस समय नहीं कर पाऊंगा अच्छा थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है ना परेशानियां चल रही है मार्केट डाउन चल रहा है चारों तरफ से क्राइसिस हो रहे हैं तो फिर अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं तो एक बात बतलाइए तो आपके घर में जो दूध आता था वो चार किलो आता था तो वो दो किलो कर दिया है ना आपने ए, क्या बात करते हो अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं आपके जो घर में दो तीन न्यूज आते थे वो बंद कर दिए ना आपने आपके जो घर में चार चार छह छह जो नौकर थे उन नौकरों में से दो नौकरों की छुट्टी कर ली ना आपने नहीं नहीं इनके बिना तो काम नहीं चलता है अच्छा इनके बिना काम नहीं चलता है तो आपकी जो अयाशी जो थी या ठाट बाट जो थे रहन रे, सहन में जो ठाट बाट थे उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ कमी आई होगी नहीं नहीं, नहीं उस, उसमें देखो यार तुम फालतू की बात मत करो यार वो हमारा हमारा मैटर है अच्छा वो हमारा मैटर है और दान किसका मैटर है भाई साहब दान तो लेने वाले का मैटर है में हो भाई साहब दान लेने वाले का मैटर नहीं है देने वाले का मैटर है लेने वाले की बात कर रहे हो उसे देने वाले कई लोग मिल जाएंगे दुनिया भर में लोग मिल जाएंगे तुम सोचो तुम्हारी जेब से निकल पाया कि नहीं पैसे की कमजोरी हुई कम हो गया तो तुरंत दान में कटौती कर दी टाइम में थोड़ी सी शॉर्टेज आती है ना तो तुरंत ये कर देता है कटौती कर देता है टाइम में आती है प्रवचन में से कटौती होगी स्वाध्याय में से कटौती होगी चार घंटा मंदिर में बैठता था तो दो घंटा मंदिर में बैठने लग जाएगा चारों तरफ से कटाई हमारे को करनी है धर्म क्षेत्र में आराधना के क्षेत्र में आप कर क्या रहे हैं ये बताइए सीता का वो वाक्य भूल गए क्या क्या वाक्य था सीता का ऐसी सीता होनी चाहिए घर घर में ऐसे वाक्य होने चाहिए ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए ऐसा प्रतिपादन होना चाहिए अंदर से तत्व ज्ञान के देना जाकर के रामचंद्र जी से कृतान्त वक्र को कहा सेनापति सुलूक क्या किया था कल्पना कर, कर सकते हो क्या आप क्या सुलूक कर दिया था क्या बल था सीता के पास में क्या बल था भाई साहब क्या क्या वो है दोनों बच्चों की कथा सुन लेना आप यूट्यूब पर अवेलेबल है रामायण की लमकुश की हम कथा सुनाते राम सकल धाम की कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है जो भी है मुझे ध्यान नहीं है लेकिन वो सात आठ मिनट का उन दोनों बच्चों का लेक्चर लवकुश का जो रामचंद्र जी की सभा में रामायण वाल्मीकि की, की रामायण को गा करके सुनाया एक बार उसे सुनकर के देख लेना आपको पता लगेगा कि आखिर सीता की क्या स्थिति थी आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाए तो मैं कहता हूं हो नहीं सकता ऐसा बोलो आंखों से आंसू आएंगे आपके बोलो मैं सीता की परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं राम का पश्चाताप <laughs> दादा के द्वारा लिखी गई रचना एक बार उस पश्चात आपको पढ़कर के देखिए आपको अलग तरह की अनुभूति होगी संकट तो देखो क्या क्या नहीं किया क्या मैं तो वो जो पंक्तियां ना उन दोनों बच्चों के द्वारा गाई गई, गई। सभा का एक एक आदमी रोने लगा अयोध्या का एक एक व्यक्ति रोने लग गया देखा अरे रे क्या बात करते हो आप खुद अपने माथे पर क्या कर्म किए को लेकिन मेट नहीं पाती है क्या बहुत गजब गजब की लाइनें हैं और गाई है शायद अपने रविंद्र जैन ने कहीं कुछ मिलेगा तो डाल देंगे कहीं कुछ बोलूंगा मैं कोई किसी को मिले तो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देना सब मिल जाए डालते ही लवकुश के द्वारा सुनाई गई सात आठ मिनट की है वो कथा इतनी है रामायण के अंदर आई थी तीस साल पहले अभी दोबारा चलाई थी हमने देखी नहीं लेकिन वो वो जो ख्याल में है ना वो दिमाग में वो प्रसंग जरूर देखा है वो अभी दोबारा दो चार महीनों में वो देख करके जो सीता की परिस्थिति का चित्रण किया गया है ओ गजब हो गया भाई साहब उस उस परिस्थिति का जो चित्रण किया है क्या वो और शब्द भी बहुत तात्विक है क्या माने वो लकड़िया काटती है लेकिन कर्म लिखे का लेख काट नहीं पाती है ऐसे बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, बहुत मार्मिक शब्द हैं उसके माने लकड़ियां काट, रही है। काट, लकड़ियां काट रही है लकड़ियां उठा करके ला रही है चक्की पीस रही है हालात देखो उसके कैसे है राजमहल में रहने वाली रामचंद्र जी की पत्नी दशरथ की बेटी लवकुश जिसके गर्भ में है उसके हालात की कल्पना कर सकते हैं आप गर्भवती अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया किसने नगर के जो राजा हैं उन्होंने भाई साहब दिमाग काम नहीं करता है नगर के राजा कौन ऑब्जेक्शन करे राजा के ऊपर क्या तकलीफ थी रामचंद्र जी को क्या प्रॉब्लम थी ये तो बतलाओ मुझे लेकिन कर्म लिखे के कौन काटे भाई साहब जो जो परिस्थिति है जो होनहार है जो होकर हो के रहना है उसे कौन बदलेगा शांत परिस्थितियों के बावजूद परिणामों में जो शांति है जंगल में कोई संभालने वाला नहीं था अकेले भयानक जंगल में छोड़ करके आ गया करता अंत कल्पना करो जरा आपके हस्बैंड कैसे हैं आपकी वाइफ कैसी है आपके माता पिता कैसे हैं आपकी पत्नी परिवार बच्चे कैसे हैं एक एक की यदि हम बात बतलाएं अभी आपको तो ऐसे लगेगा कि ऐसा तो नहीं है ना चिंतन बस बल किस चीज का है ये इंपॉर्टेंट चीज है बल किस चीज का है ताकत किस चीज की है पावर किस चीज की है कर्मबद्धता की पावर है निमित्त उपादान की पावर है अपने कर्म के उदय के विचार की ताकत है अरे यार ये कर्म पूर्व किए अरे वो क्या करेंगे रामचंद्र जी का कोई कसूर नहीं है अरे उन्हें कह देना पश्चाताप करने की जरूरत नहीं खाएगा का पश्चाताप करेंगे मेरे पाप कर्म का उदय हो तो वो क्या करें रखने का मन में भी आए तो रख नहीं पाए पाप कर्म का उदय अपना है भाई साहब पाप कर्म का उदय अपना है ना? बोलो अपने पाप कर्म का उदय हो रामचंद्र जी रखना भी चाहे तो नहीं रख सकते हैं ये कह रहे हैं पुरुषों के उदाहरण लगा लो महिलाओं के उदाहरण लगा लो जिसके उदाहरण लगाना चाहो उसके उदाहरण लगा लो प्रथमानु योग की कथाओं को लेकिन सोचो जरा विचार करो अंजना को घर से निकाल दिया लांछन लगा दिया गया गर्भवती अवस्था में हालात तो कैसे कैसे हुए हैं भाई साहब हनुमान जैसा जीव कामदेव जाने वाला नंबर का कामदेव वो जीव जिसके गर्भ में हो धक्के मार करके निकाल दिया हो इतने पुण्यशाली जीव गर्भ में हो उसके बावजूद धक्के मार करके निकाल दिया मां बाप के पास में चले गई माँ बाप ने रखने के लिए मना कर दिया कि नहीं हम नहीं रखेंगे माँ बाप नहीं रख रहे हैं सोचो तो सही जरा पाप कर्म के उदय में न माँ सगी होती है न पिताजी सगे होते हैं पाप कर्म के उदय में न पत्नी सगी होती है न पति सगे होते हैं पाप कर्म के उदय में कोई सगा नहीं होता है और जब पुण्य का उदय आता है तो आसमान से उतर करके आ जाते हैं सहयोग करने के लिए जरूरत नहीं होती है उदय का खेल है सारा ये समझा रहे हैं यहां पर तेरे को तकलीफ क्या है तो तुम जी ये कौन दुख है तो तुमरे जी कौन दुख है कौन दुख है दुख क्या है तकलीफ क्या है तुझे बता तो सही मृत्यु महोत्सव हारी जीवन दर चरित्र चल रहा है गजब की कहानी है गजब की चर्चा है शत्र मणि जो दोपहर में चलता है गजब की चर्चाएं गजब की नीतियां एक एक बात इतनी गजब गजब की बताते रहते हैं शमशान में जाकर के जन्म हो गया उनका राजमहल में अरे नौ महीने तक गर्भ अवस्था में रही रानी विजिया रानी विजया के गर्भ में रहे जीवेंद्र स्वामी अचानक देखो कर्म के उदय ने कैसा पासा पलटा एकदम पासा पलट गया राज्य गया राजा सत्यन्दर का राज्य काष्टांगार ने ले लिया ओहो क्या हो गया चढ़ाई कर दी आक्रमण कर दिया इधर से क्या करें कुछ नहीं है सुविधा पत्नी महारानी महारानी साहिबा क्या करें लकड़ी का एक यंत्र बना करके विमान जैसा बना करके उसमें बिठा करके उन्हें भेज दिया आप देखो वो विमान रास्ते में टूट गया ढंग से लैंडिंग नहीं हुई उसकी पाप कर्म का उदय और कहां गिर गया एक शमशान में गिर गया शमशान में गिर गया और वहां गिरने के बाद में अचानक बालक का जन्म हो गया शमशान में जब बालक का जन्म हुआ उस रानी भैया की कल्पना कर सकते हो आप कैसी कल्पना क्या स्थिति होगी शमशान में बालक का जन्म हो गया जन्म कराने वाला कोई नहीं था कोई दाई नहीं थी वहां कोई सहयोगी नहीं था कोई हॉस्पिटल नहीं था कोई हेल्प करने वाला नहीं था वहां पर खून से लथपथ बच्चा दिखाई दे रहा है करें क्या अपने कपड़ों से उसके खून पहुंच दिया उसका क्या करें बच्चा रो रहा है ना? क्या क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी पीने को पानी नहीं है बोलने को कोई नहीं है चारों तरफ जंगल में जंगली जानवरों के ऐसे भयानक रात अंधेरी रात क्या करें कोई कुछ नहीं करे महारानियों की ये दशा बोलो कैसे कैसी जगह पर हो जाता है श्री कृष्ण का जन्म जेल में हो गया सुना तो, तपस्या से विचलित नहीं हुए विजया विचलित नहीं हुई बेचारी ऐसी परिस्थिति में सीता विचलित नहीं हुई बेचारी हिम्मत से काम लिया उसने कोई बात नहीं ऐसी परिस्थिति में अंजना विचलित नहीं हुई भाई साहब हनुमान को जन्म दिया उसने बोलो विचलित नहीं हुए क्या बल है कुछ तो ताकत होगी यार कुछ तो ताकत होगी आखिर ऐसा क्या खाते हैं ये लोग ये ज्ञानी लोग खाते क्या है ये ज्ञानी लोग पीते क्या है ये ज्ञानी लोग रहते क्या है ये ज्ञानी लोग सोचते कैसे है इनके पास में आखिर ऐसा है क्या जिसे ये सोचते रहते हैं कुछ तो बात होगी अरे अंदर में अपने आत्म तत्व को देखते हैं और शरीर की अवस्था को कर्माधीन जान करके उससे भेद विज्ञान करते हैं शरीर की अवस्था कर्म अधीन है लेकिन अपना उपयोग अपने पुरुषार्थ के आधीन है बस पुरुषार्थ के आधीन है पुरुषार्थ नहीं खोना है मुझे हिम्मत से काम लेना है कोई बात नहीं दृढ़ता है अंदर में बोलो तीन खंड खंड के अधिपति कमल जी भाई साहब नारायण श्री कृष्ण बोलो उदय की विचित्रताएं हैं ये सब ये याद करा रहे हैं किसे याद करा रहे हैं जिसकी थोड़ी सी विचलित होने की अवस्था दिखाई दे रही है उसे याद करा रहे हैं उसे याद दिला रहे हैं उसे कहानियां सुना रहे हैं उसे प्रसंग सुना रहे हैं अरे यार तू क्या देख रहा है इसको देख क्या करते हैं बोलो एक बच्चा परीक्षा में नाइंटी एट नंबर आए नाइन्टी एट परसेंट नंबर आए और रो रहा था आजकल तो सरका हुआ होता है ना दिमाग सबका अलग तरह के ब्रेन है आजकल के समय में तो लोगों के बच्चों के नाइनटी नहीं दो नंबर कैसे कटे दो परसेंट कम हो गए और फिर गई है नाइनटी प्लस परसेंटेज के अंदर रो रहे हैं क्या हो गया तुझे इसे देख सिक्सटी परसेंट आया है और मस्त है क्या क्या बात हो क्यों देख रहे हो क्यों दुखी हो रहे हो दुखी होना और आनंदित होना यह किसी और के हाथ में नहीं है दुखी होना और आनंदित होना ये आपके हाथ में है यह आपके पास में है यह आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है पुरुषार्थहीन मत बनो ये बात कह रहे हैं बस ये समझ लीजिए आप हिम्मत से काम लो उदय आता है चला जाता है उदय को अपना काम करने दो आप अपना काम करो मैं ये कह रहा हूं जब कर्म का उदय अत्यंत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो हम अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करें ये बताओ कर्म के उदय ने फल देते समय अत्यंत ईमानदारी निभाई ना कर्म के उदय ने ईमानदारी से काम किया ना कर्म के उदय ने बहुत ही बिल्कुल ईमानदारी से चलता रहा तो फिर तुम बेईमान क्यों बन रहे हो भैया ईमानदारी से काम लो सिखा रहे हैं यहां बता रहे हैं आत्म ध्यान की बात हो गई है देखो लोहे के आभूषण अग्नि में से तपाकर शत्रुओं ने पहनाए थे ओहो तो भी तपस्या से किंचित मात्र चुतने होकर आत्म ध्यान से मोक्ष प्राप्त कर लिया मोक्ष प्राप्त कर लिया क्या तूने क्या तूने क्या क्या कह रहे हैं महासुकुमार महासुकुमार अत्यंत कोमल है? अत्यंत कोमल शरीर वाले सुकुमाल कुमार का चरित्र नहीं सुना ओ, सुकुमाल का जीवन चरित्र नहीं सुना जहां कदम रखते थे वहां पैर छप जाते थे खून खून ब्लड पैरों में से जमीन पे पांव नहीं रखा था उन्होंने कभी अपने जीवन में सूर्य की किरण उनकी बॉडी पे कभी नहीं पड़ी थी क्या जीवन था उनका कठोरता जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी सरसों के दाने चुभते थे क्या फूल की शैयाओं पर भी उन्हें कष्ट की अनुभूति हुआ करती थी रत्नों के प्रकाश में जो जीवित रहे हैं जिन्होंने अपनी जिन बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक जन्म से लेकर के युवा अवस्था तक रत्नों के प्रकाश में बिताया था आज वैराग्य भाव जागृत हुआ अपने स्वभाव का भान हुआ जाति स्मरण ज्ञान हो गया पूर्व की बात याद आ गई अरे खिड़की से उतर करके चले गए कपड़ा बांध करके उतर गए चलते चले जा रहे हैं ध्यान में लीन हो गए जाकर के तीन दिन तक शालनी खाती रही नीचे पड़ो जरा क्या कह रहे उनका चरित्र नहीं सुना जिनका शरीर शालनी ने थोड़ा थोड़ा खा करके खा खा करके अतिशय कष्ट देने के लिए ओहो कई दिन तीन दिन तक भक्षण किया था तीन दिन तक बच्चों के साथ में खाती रही कौन थी वो पूर्व भाव की लात मारी थी भाभी बोलो ये वही है ये वही है, जिसने मेरे लात मारी थी बदला लेने के लिए आ गई उदय उदय क्या करे भक्षण किया था परंतु किंचित मात्र भी मार्ग च्युत न होकर जिन्होंने सर्वार सिद्धि प्राप्त किया था ओह। नकुल और सहदेव ने मार्ग से विचलित नहीं होकर के सर्वार सिद्धि प्राप्त किया था सुकुमाल ने सुकुमाल इन्होंने श्यालि के खाने पर तीन दिन तक विचलित नहीं होकर के सर्वार सिद्धि प्राप्त किया था युधिष्ठिर भीम अर्जुन इन तीनों ने ध्यान से विचलित नहीं होकर के आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होकर के निर्वाण की प्राप्ति की सिद्धालय में अनंत सुख से विराजमान है अरे भाई इस कष्ट की परवाह करने वाले व्यक्ति संसार में भटकते रहते हैं और वर्तमान में इन कष्ट की परवाह नहीं करने वाले अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं संलेखना नहीं बिगड़ जाए विचार करना भैया संलेखना नहीं बिगड़ जाए भेद विज्ञान का चिंतन बराबर चलते रहे भैया भेद विज्ञान का चिंतन चलता रहे चिंतन चलता रहे आराधना चलती रहे ये भेद विज्ञान की चर्चा ये आराधना की चर्चा ये सलेखना की चर्चाएं ये प्रदर्शन की चीज नहीं है सलेखना भी प्रदर्शन की चीज नहीं है आत्मदर्शन की चीज है कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी सलेखना हमारा प्रदर्शन बन करके रह जाए ऐसा भी नहीं हो जाए सावधान रहना क्या करना है किसे दिखाना है और कौन देख करके चार लोग यदि ये कह देंगे कि संजीव गोदा की समाधि हो गई तो इससे संजीव गोदा धन्य हो जाएंगे क्या ये बताओ क्या दम है इसमें चार लोगों ने यह समझ लिया कि इनकी संलेखना नहीं हुई तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा चार लोगों ने यह समझ लिया कि ये मरकर के नरक में जाएंगे तो क्या हम नरक में चले जाएंगे दो चार लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भोग बहुत भाग्यशाली है तो क्या अरे जगत के जीवों की निंदा और प्रशंसा ये किसी काम नहीं आने वाली है अपने परिणाम ही अपने काम आने वाले हैं ये समझा रहे हैं संलेखना का अंतिम उपदेश है ये एगो में सास दो अपा के साथ साथ का उपदेश है ये मैं शाश्वत आत्म तत्व हूं शायद ये ये समझा रहे हैं देखो तुम्हें लग रहा है ना ऐसा ये जो मैं आत्म तत्व शाश्वत हूं ये वो मंत्र है ये वो ट्रिक है ये वो कला है ये ये वो कड़ी है जिस कड़ी के दम पर ये सारे प्रसंग जितने सुनाए हैं और और लाइन लगा करके कितने भी सुना लो विचार कर लो कहां तक सुनाए, है घड़ी दिखती रहती है खत्म करने का विकल्प भी आता है भैया सुनो क्या कह रहे हैं ये? तीन सर, सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त किया था ये नहीं दिखता है आपको हाँ याद आ गया याद आ गया तो कैसे प्राप्त किया था उन्होंने सरवार सिद्धि बोलो क्या किया होगा बुकिंग करवाई होगी सरवार सिद्धि की बुकिंग तो हुई होगी. तो होगी कैसे हुई होगी बुकिंग उपयोग रूपी क्लिक बटन को और जाकर अंदर आत्म तत्व के साथ में वो टच किया क्लिक किया वहां जाकर के आत्म तत्व के साथ में जोड़ा उस जगह पर कनेक्शन को और तुरंत क्या हुआ बुकिंग हो गई आप चिंता मत करो ये जो बुकिंग हुई है ना ये चलेगी आप चिंता मत करो बराबर है सब यथावत चल रहा है कोई चिंता की बात नहीं है जरा देखो चार लाइनें और पढ़ देते हैं अपन ऐसे उदाहरण शास्त्रों में दो चार पांच दे दिए हमने भी कितने पांच सात दे दिए होंगे जो भी दिए हैं आपको ऐसे असंख्य उदाहरण शास्त्रों में जहां दुस्सह उपसर्ग सह करके अनेक साधुओं ने सर्वार सिद्धि प्राप्त की है ओहो असंख्य उदाहरण है कितने उदाहरण है कितनी कहानियां हैं कितने प्रसंग है आपको दृढ़ता चाहिए जैन कथा संग्रह पढ़ लो जैन कथा संग्रह कहानियां पढ़ लो प्रसंग पढ़ो मोटिवेट करती है वे बहुत बड़ा काम करती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई साहब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी ये कहानियां ये स्टोरिया आदत होनी चाहिए स्टोरी पढ़ने की बच्चों को पढ़ाओ बच्चों को सिखाओ बच्चों को सुनाओ पढ़ो आनंद आएगा आपको देखो जरा जहां दुस्स उपसर्ग सह करके अनेक साधुओं ने सर्वार सिद्धि प्राप्त की है क्या तेरा कर्तव्य नहीं है कि उनका अनुसरण करके हमारा क्या कर्तव्य है हमारा क्या कर्तव्य है यह हमारा कर्तव्य नहीं है क्या बोलो यह हमारा कर्तव्य नहीं है क्या, क्या कि उनका अनुसरण करें करो ना उनका अनुसरण कुंद कुंदाचार्य देव सर्वार सिद्धि नहीं गए हैं तो स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हैं इस पंचम काल में जन्मे हुए जीव सोलवे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते है ना सरवार सिद्धि टॉप स्थान है मंत्र नारायण सेनम के बिना वहां जाना होता नहीं है सरवार सिद्धि वाले जो जीव होते हैं ना और वो चतुर्थ काल में ही होता है वहीं के जीव जा सकते हैं कोई बात नहीं कहीं तो जा सकता है जहां भी जाएगा देखो अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक नहीं नहीं ऊपर लाइन छूट गई ना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है कि उनका अनुसरण अनुकरण करके जीवन धनाधिक में निर्वांचक होकर जीवन में धन में निर्वांचक होकर अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक साम्य भाव से सम्यक प्रकार कषाय को कृष करके रत्नत्रय की भावना रूप परिणमन से पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण पूर्वक समाधि मरण करना चाहिए यह समाधि मरण की संक्षिप्त विधि है बोलो यह समाधि मरण की विधि है समाधि मरण करके आप पांचवें स्वर्ग में लोकांतिक देव हो सकते हैं लोकांतिक देव पांचवें स्वर्ग में है ऊपर भी जा सकते हैं पांचवें से ऊपर भी जा सकते हैं छठे सातवें आठवें सोलवे स्वर्ग तक जा सकते हैं इस वर्तमान समय में कोई बात नहीं दौलत राम जी ने शेर में लिखा ना यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे और तैय शिव जावे वहां से नर जन्म की प्राप्ति की मुनि होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर ली ये कह रहे हैं लास्ट की लाइनों में थोड़ा सा आ, मैंने खोला नहीं है आप खोल लेना अपने मन से कल आगे बढ़ेंगे अपन है ना जीवन धनाधिक से निर्वांचक हो जाओ जीवन से भी और धनाधिक से भी परिग्रह से भी संपत्ति से भी परिवार से भी और अपनी बची हुई लाइफ से भी बची है तो ठीक है नहीं बची है तो ठीक है कोई बात नहीं ये तो हो गया बाहर से निर्वांचक और अंतरंग में परिग्रह का करो त्याग तो ये त्याग पूर्वक फिर समता भाव और साम्य भाव से कषायों को करो कृष बाहर में हो गया शरीर कृषि यहां हो गया कशाय कृष्ण और रत्नत्रय की है भावना रत्नत्र का हो पालन हो गई बस हो अंत में समाधि क्या रत्नत्रय का हो पालन हो अंत में समाधि बस हो गई भैया समाधि मरण हो गया तुम्हारा रत्नत्रय का पालन हो गया देह छूट गई कोई बात नहीं विकल्प करने की जरूरत नहीं है काम हो गया है प्रयोजन सद गया है मनुष्य जन्म सफल हो गया है सार्थक हो गया है भैया एक संक्षिप्त सी विधि यहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखी है इस एक नंबर श्लोक को बेस बना करके और ये अभी तक जितना अपन ने प्रकरण पढ़ा है और आगे इस ग्रंथ में मुझे लगता है सबसे बड़ा भावार्थ था और मुझे लगता है चाहे ये टोडरमल जी ने अपने आप को ही लक्ष्य में रख करके लिखा होगा इन सब बातों को मैंने पहले भी आपको बतलाया है हम सब इन बातों को अपने जीवन में उतारें निरंतर उतारें बार बार उतारें बार बार विचार चिंतन करते रहे और अपने जीवन को सफल सार्थक करें क्योंकि ये बार बार विचार करने योग्य है संलेखना का प्रकरण अभी खत्म हो गया अब ना मालूम कब चलेगा दो पांच दस साल में जब कभी चलेगा तब चलेगा जो भी होगा तो वापस सुनो लोगों का सुझाव था कि इसके अलग से प्लेलिस्ट बना देना सलोखना के प्रकरण की बना देंगे लेकिन पुराने भी प्रवचन संलेखना समाधि मरण के ऊपर ऑडियो प्रवचन है यूट्यूब पर अवेलेबल है अठारह प्रवचन है उनमें भी अलग तरह का चिंतन होगा अलग तरह की बातें होगी अलग तरह का जो भी होगा कई सालों पहले किए हैं तो आप सब तरह से लाभ लेते रहें अपने जीवन को सफल सार्थक करें इसी भावना से बात को यही विराम दे रहा हूं जय में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी बा को वाशत बारे वंदनाशत बारे बड़ा